स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे इरिथ्रोसाइट आरबीसी के बारे में, और आज का जो टॉपिक है वो जो टॉपिक हमने कल स्टार्ट किया था, ब्लड के कंपोजिशन के बारे में, उसका ये सेकंड पार्ट है। तो आज हम ब्लड के कंपोजिशन में इरिथ्रोसाइट आरबीसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ब्लड के कंपोजिशन में अप्रोक्सीमेटली 45% लगभग 45% जो हिस्सा है वो सेल्स का है या सेल फ्रैगमेंट्स का है। तो कल हमने ऐसा डिस्कस भी किया था कि अगर हम ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में लेकर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो ये जो सेल है और जो सेल फ्रैगमेंट्स हैं ये नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं टेस्ट ट्यूब में। दूसरा तरीका भी हमने डिस्कस किया था कि हम सेंट्रीफ्यूज की हेल्प से भी ऐसा कर सकते हैं। तो वो हिस्सा लगभग हमने डिस्कस किया था कल 45% है। अब इस 45% में क्या क्या है मैं ये डिस्कस आज करूंगा। तो ब्लड के कंपोजिशन में इरिथ्रोसाइट, जिन्हें कॉमनली आरबीसी के नाम से जाना जाता है, और ल्यूकोसाइट, जिन्हें कॉमनली WBC के नाम से जाना जाता है। तो RBC एंड WBC दे आर इन द फॉर्म ऑफ सेल्स। ये दोनों कोशिकाओं के रूप में ब्लड में प्रेजेंट है। लेकिन जो तीसरे प्रकार की कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूं वो है प्लेटलेट्स, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। ये थ्रोम्बोसाइट सेल फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेल्स एंड सेल फ्रैगमेंट्स में जो फर्स्ट कंपोनेंट है इरिथ्रोसाइट आरबीसी के बारे में। चलो शुरू करते हैं। छोटे छोटे से कुछ टॉपिक है, छोटी छोटी सी कुछ बातें हैं, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। नंबर एक, सबसे पहली बात, जो ब्लड में इरिथ्रोसाइट की मैं बात कर रहा हूं, पहले हम इस इरिथ्रोसाइट की एवरेज काउंटिंग करें कि एक हेल्थी पर्सन में, मेल में और फीमेल में, इरिथ्रोसाइट का एवरेज नंबर क्या होगा। तो हमने यहां मेंशन किया है मेल इंडिविजुअल में, नर सदस्य में 5.4
मिलियन आरबीसी पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, यानी एक माइक्रोलीटर ब्लड में अप्रोक्सीमेटली 5.4 मिलियन इरिथ्रोसाइट मेल में प्रेजेंट होगी, जबकि जो फीमेल है मादा सदस्य है उसमें ये केवल 4.8 मिलियन आरबीसी पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होगी। तो ये तो हमने एक एवरेज नंबर देखने की कोशिश की कि मेल पार्टनर में आरबीसी का नंबर क्या है, फीमेल पार्टनर में आरबीसी का नंबर क्या है। दो चीजें क्लियर। अगली बात, जो इरिथ्रोसाइट है, बात करते हैं यहां पर, मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी यहां पर ली है, वन बाय वन इन पे हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है हीमेटोक्रिट वैल्यू, इसे हम पीसीवी या पैक्ड सेल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। क्या है समझना कि जो टोटल ब्लड है उस ब्लड का वो हिस्सा जिसे इरिथ्रोसाइट ने ऑक्यूपाई किया हुआ है उस वैल्यू को हीमेटोक्रिट वैल्यू या पैक्ड सेल वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। मैं डेफिनेशन दे देता हूं, क्या है पीसीवी, टोटल जो ब्लड का वॉल्यूम है उसमें वो परसेंटेज, वो हिस्सा जिसे इरिथ्रोसाइट ने ऑक्यूपाई किया हुआ है वो वैल्यू हीमेटोक्रिट वैल्यू पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम कहलाएगा। जैसे मैं बात करूं कि हमने ब्लड का एक सैंपल लिया, सैंपल लेकर उसे सेंट्रीफ्यूज अगर हम करते हैं तो क्या देखेंगे कि आरबीसी उस टेस्ट ट्यूब में नीचे की ओर बैठ जाएगी। तो जितना वॉल्यूम आरबीसी ने घेर लिया अब टोटल ब्लड में, इस वैल्यू को पीसीवी हीमेटोक्रिट कहेंगे। एक हेल्थी पर्सन में ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट पुरुष में 40 to 54, पुरुष में पीसीवी की वैल्यू 40 से लेकर 54% तक होती है, जबकि फीमेल में ये जो वैल्यू होगी वो अप्रोक्सीमेटली 38 से 46 के आसपास होगी। यानी ब्लड का इतना हिस्सा इरिथ्रोसाइट ने घेरा हुआ है, तो ये वैल्यू हीमेटोक्रिट वैल्यू है। मान लो एक स्थिति में डिस्कस करता हूं, स्थिति का नाम दिया है सॉरी तो यहां पर हमने मेल और फीमेल दोनों में हीमेटोक्रिट की एवरेज वैल्यू देखी और हीमेटोक्रिट क्या है ये भी डिस्कस किया। तो एक कंडीशन में ऐसी डिस्कस कर रहा हूं, उस कंडीशन का नाम है पॉलीसाइथेमिया। क्या होता है इस कंडीशन में, हीमेटोक्रिट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, यानी वो 60% तक पहुंच गई, और ऐसा तब संभव है जब शरीर में इरिथ्रोसाइट का नंबर इन एवरेज वैल्यू से बढ़ जाए, यानी मेल में इससे ज्यादा, फीमेल में इससे ज्यादा इरिथ्रोसाइट हुई, तो ऐसी कंडीशन में हीमेटोक्रिट की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई। इस कंडीशन को
पॉलीसाइथेमिया ये नाम दिया गया। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आर्टरी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है अब उसमें अवरोध ज्यादा लगेगा, क्योंकि जो फॉर्म्ड एलिमेंट है, कल डिस्कस किया था प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है और ये जो 45% है वो फॉर्म्ड सेल और सेल फ्रेगमेंट्स हैं, तो सेल्स का नंबर बढ़ा तो अब विस्कोसिटी जो थी, तरलता जो थी उसकी, वो कम हो जाएगी। अब वो जब आर्टरी में फ्लो होगा तो ज्यादा अवरोध का सामना उसको करना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी ब्लड की टेस्टिंग की जाती है तो उस समय पीसीवी हीमेटोक्रिट वैल्यू भी मेजर की जाती है। नेक्स्ट जो डिस्कशन मेरा रहेगा वो है हीमोपोइसिस पे। तो डिस्कशन करते हैं हीमोपोइसिस को, एक और नाम से भी जाना जाता है हीमेटोपोइसिस। तो इसे चाहे तो हीमोपोइसिस कह दे, चाहे तो इसे हीमेटोपोइसिस के नाम से भी जानते हैं। क्या है ये हीमोपोइसिस का सिंपल सा मीनिंग है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, या मैं और स्पेसिफाई करूं फॉर्मेशन ऑफ सेल्स एंड सेल फ्रेगमेंट्स। तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं ब्लड के उनके फॉर्मेशन को हीमोपोइसिस हीमेटोपोइसिस के नाम से जाना जाता है। सिंपली हम कहें फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमोपोइसिस और हीमेटोपोइसिस। अब एक व्यक्ति की लाइफ साइकिल में ये जो प्रोसेस है हीमोपोइसिस की, ये अलग अलग पार्ट में होती है बॉडी के। जैसे ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन, भ्रूण अवस्था में ये प्रोसेस सबसे पहले योक सैक, पीतक कोश जो एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है उसमें होती है। उसके बाद ये प्रोसेस लीवर की सेल्स में होती है, यानी लीवर में होगी ये प्रोसेस। उसके बाद स्प्लिन में और उसके बाद लिम्फ नोड में ये प्रोसेस होती है। आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद हीमोपोइसिस की प्रोसेस बोन मैरो में, जितनी भी बोन मैरोज हैं बॉडी में उन सब में ये प्रोसेस होती हैं। 5 वर्ष की आयु के बाद ये प्रोसेस केवल लॉन्ग और फाइब्रस बोन जो हैं उन्हीं में ये प्रोसेस उनकी बोन मैरो में होती है। तो बोन मैरो में क्या है, प्लूरीपोटेंट हीमेटोपोइटिक ब्लड स्टेम सेल होती है। नाम याद हो गया होगा, प्लूरीपोटेंट हीमेटोपोइटिक ब्लड स्टेम सेल्स वहां होती हैं और उन्हीं सेल्स के द्वारा ये डिफरेंट टाइप की ब्लड सेल्स बनती हैं और उसी प्रोसेस को हीमोपोइसिस या हीमेटोपोइसिस के नाम से जाना जाता है। तो WBC, RBC, प्लेटलेट सबका फॉर्मेशन होता है। और पर्टिकुलर हम बात करें इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन या RBC का फॉर्मेशन, तो इसे हम इरिथ्रोपोइसिस के नाम से जानते हैं। तो पर्टिकुलर बोन मैरो में जो प्लूरीपोटेंट हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं उनसे इरिथ्रोसाइट RBC का फॉर्मेशन इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। ओके, तीसरी में डिस्कशन कर रहा हूं रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो में, कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एज बढ़ने के साथ साथ जो रेड बोन मैरो थी, यानी जहां प्लूरीपोटेंट हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स थी,
जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कर रही थी। तो एज बढ़ने के साथ साथ उन रेड बोन मैरो में इन स्टेम सेल्स का नंबर घटता जाता है और अब ये रेड बोन मैरो चेंज हो जाती है येलो बोन मैरो में और स्टेम सेल की जगह इनमें फैट टिश्यू डिपॉजिट होने लगते हैं। तो दो बातें डिस्कस की है, एक रेड बोन मैरो के बारे में और दूसरी येलो बोन मैरो के बारे में। तो रेड बोन मैरो अर्ली जो स्टेजेस हैं लाइफ की उनमें दिखाई देगी और इन बोन मैरो के अंदर प्लूरीपोटेंट हीमेटोपोइटिक ब्लड स्टेम सेल्स प्रेजेंट होगी और ये ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगी। एज बढ़ने के साथ साथ ये रेड बोन मैरो चेंज हो जाएगी येलो बोन मैरो में और अब इनमें प्लूरीपोटेंट हीमेटोपोइटिक ब्लड स्टेम सेल की जगह फैटी टिश्यू डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये डिस्कस किया रेड और येलो बोन मैरो के बारे में। ओके, नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं हम इरिथ्रोपोइटिन के बारे में। डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इरिथ्रोपोइटिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है और ये ग्लाइकोप्रोटीन किडनी के द्वारा रिलीज किया जाता है। सो द इरिथ्रोपोइटिन इज ए ग्लाइकोप्रोटीन एंड रिलीज्ड बाय किडनी। किडनी कब रिलीज करेगी? हाइपोक्सिया की कंडीशन में, जब ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाए या शरीर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब कम हो जाए तो उस समय किडनी इस ग्लाइकोप्रोटीन को रिलीज करती है। और ये इरिथ्रोपोइटिन जो बोन मैरो है वहां पहुंचेगा और इरिथ्रोपोइसिस यानी आरबीसी के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको इंक्रीज कर देता है। तो ये इरिथ्रोपोइटिन कैसे वर्क करता है ये हमने डिस्कस किया। अगली बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। आरबीसी की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो मैमेलियन मैच्योर इरिथ्रोसाइट की बात करूं, पूर्ण परिपक्व आरबीसी की बात करें, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट है, ये सब सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट है। तो जो इरिथ्रोसाइट है उसकी स्ट्रक्चर में एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन और इस हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, मेन फंक्शन इसका ये है। तो आरबीसी बेसिकली ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में और CO2 के ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट करती है और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट इस हीमोग्लोबिन की हेल्प से पूरी बॉडी में आरबीसी करती है। तो आरबीसी का अधिकांश जो हिस्सा है सेल का, जो उसका वॉल्यूम है, वो इस हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्यूपाई रहता है और इसलिए जो दूसरी स्ट्रक्चर्स जैसे न्यूक्लियस, ER, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब आरबीसी के मैच्यूरेशन के दौरान यानी इरिथ्रोपोइसिस के दौरान ये धीरे धीरे सब डीजनरेट हो जाते हैं और उसमें हीमोग्लोबिन का परसेंटेज बढ़ता जाता है। अगर हम आरबीसी में इस हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर देखें तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, यानी इसमें ग्लोबिन प्रोटीन है। इस ग्लोबिन प्रोटीन में दो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चैन है और दो बीटा पॉलीपेप्टाइड चैन होती है। इसके अलावा एक हीम ग्रुप वो भी प्रेजेंट होता है। तो हर पीपीसी के साथ एक हीम ग्रुप जो आयरन कंटेनिंग है वो जुड़ा हुआ रहता है। तो यहां पर
प्रोटेनियस पार्ट भी है, नॉन प्रोटेनियस पार्ट भी है, और इसलिए हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का एग्जाम्पल है। तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और इसी रूप में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में ये पार्टिसिपेशन करता है। तो डिस्कस किया हीमोग्लोबिन के बारे में, अब हम बात करेंगे लास्ट में आरबीसी के लाइफ साइकिल। आरबीसी के जो बनने की प्रोसेस थी, इरिथ्रोपोइसिस जो बोन मैरो में हो रहा है, 7 डेज का टाइम लगता है इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस में। एक आरबीसी का लाइफ साइकिल 120 डेज का है, यानी 120 दिन तक आरबीसी जीवित रहती है। उसके बाद ये ब्लड सर्कुलेशन के साथ लीवर में पहुंच जाती है, वहां पर इसके हीम पार्ट को अलग कर दिया जाता है और लीवर की जो हिपेटोसाइट्स सेल है उस हीम पार्ट से बिलीरुबिन और बिलीविरिडिन इन पिगमेंट का फॉर्मेशन करती है, और फिर आरबीसी के रिमेनिंग पार्ट को स्प्लिन में भेजा जाता है जहां पर इन्हें नष्ट कर लिया जाता है। तो ये आरबीसी के लाइफ साइकिल 120 डेज की हमने बात की। 120 डेज के बाद ये डिजनरेट हो जाती है, इस प्रकार ये प्रोसेस चलती रहती है। आरबीसी का जो शेप है वो बाई कॉनकेव है, और ऐसा शेप होने से कई प्रॉफिट है, जैसे आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए या अगर उसमें वो प्रेजेंट होती है तो वो काफ़ी हद तक फूल सकती है ब्रस्ट होने से पहले, तो ब्रस्टिंग रुक जाती है ऐसा शेप होने से। दूसरा, बाइंडिंग के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाता है, और तीसरा, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ जाता है ऐसा शेप होने से, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसफर कर सकती है। तो ये 3 एडवांटेज हमने देखे बाई कॉनकेव शेप होने से। ओके, तो आज का जो टॉपिक था आरबीसी के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर आरबीसी की कमी है तो इस स्थिति को एनीमिया के नाम से जाना जाता है। विटामिन B12, फॉलिक एसिड, ये सब इरिथ्रोपोइसिस की या आरबीसी के फॉर्मेशन की प्रोसेस के लिए असेंशियल है, आवश्यक होते हैं। अगर हमारी डाइट में विटामिन B12, फॉलिक एसिड की कमी है तो पर्सीनियस एनीमिया या अरक्तता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, हमने ओवरऑल डिस्कस किया आज ब्लड के सेकंड पार्ट के बारे में, और आज का डिस्कशन बेसिकली इरिथ्रोसाइट आरबीसी पर था। कल हम लोग डिस्कस करेंगे जो सेकंड टाइप की सेल्स हैं WBC के बारे में, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। ये डिफरेंट वैरायटी की सेल्स हैं और कई सारे फंक्शंस ये परफॉर्म करती हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।